ऐसे में क्या फैक्टर थे जो कि जो है बीजेपी से चूक हुई और हार का सामना करना पड़ा? भैया सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति को जब घमंड आ जाएगा, प्राउड, जब प्राउड में बोलने लगेगा, तब उसको पराजित तो होना ही पड़ेगा। वो है कि किसानों को रात दिन अपने खेत की रखवाली करना दुर्लभ हो गया। ये सब कारण जो है तमाम प्रकार के, जो अमेठी नहीं पूरे प्रदेश में इसकी लहर चली और इन सब कारणों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया। और बीजेपी भैया क्या नाम है आपका? नितिन तिवारी कहते हैं उसको। तिवारी जी, अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में अयोध्या से लेकर के पूरा मंडल, चाहे सुल्तानपुर की बात करें, चाहे अमेठी की बात करें, चाहे रायबरेली की बात करें, बीजेपी चुनाव हार गई, ऐसा क्या कुछ रहा कि बीजेपी को इस तरह के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का। राज्य सरकार के एक भी ऑफिस ऐसे नहीं है कि जहां बिना पैसे के किसी पब्लिक का कोई एक काम होता हो। बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा विपक्ष ने इतने अच्छे ढंग से भुनाया है, इनकी हार का प्रमुख कारण यही है। क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कमियां बीजेपी के कद्दावर नेताओं में, जैसे स्मृति ईरानी की बात करें अमेठी की, तो कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं जिससे कि उनको इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? ये मुद्दा केवल स्मृति ईरानी तक सीमित नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस बात को आप मान सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त तो है। विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया, जो बीजेपी नहीं भुना सकी, उसकी हार का एक कारण ये भी रहा कि विपक्ष ने अच्छे ढंग से भुनाया, जिस ढंग से भुनाना चाहिए था बीजेपी नहीं भुना सकी। जैसे राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी भुना नहीं पाई, जनता के बीच ले जा नहीं पाई। अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को जनता के बीच अच्छे से जन जन तक पहुँचाया जाता तो शायद परिणाम कुछ दूसरा होता, इतना नुकसान तो ना ही होगा। भैया क्या नाम है आपका? भैया ये बताएं कि जिस तरह से अयोध्या पूरे मंडल की बात करें, चाहे अमेठी की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, चाहे सुल्तानपुर रायबरेली, हर जगह बीजेपी हार चुकी है, ऐसा क्या कुछ रहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा? प्रथम कारण मान लीजिए आप, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर इस समय हो गई थी और नवयुवक जो है पेपर की समस्या से और तमाम समस्या से, नौकरी की समस्या से इतने जो है दुखी थे, जिसलिए उन सबका रुझान इस वक्त सिर्फ बदलाव के मूड में था कि जिससे उनका भविष्य किस तरीके से सुरक्षित हो सके। छुट्टा जानवर आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ किस तरीके से जो है वो है कि किसानों को रात दिन अपने खेत की रखवाली करना दुर्लभ हो गया। ये सब कारण जो है तमाम प्रकार के, जो अमेठी नहीं पूरे प्रदेश में इसकी लहर चली और इन सब कारणों से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ गया। और बीजेपी इसके हित के लिए, बेरोजगारों के लिए और नौकरियों के लिए कोई तोड़ आज तक नहीं ला पाई कि जिससे उनका समाधान किया जा सके। और ख़ासकर अमेठी में प्रियंका जी ने और राहुल जी ने अपने लगाव को इतने तरीके से जो है लोगों के बीच में पहुंचाया, अपना भावुक रिश्ता पुराना जोड़ा, जिससे कि यहाँ भी इस तरीके का परिवर्तन जो है देखने को मिला। ये सब कारण अमेठी और पूरे मंडल में जो है उसकी हवा बही और पूरी तरीके से सफर। अगर देखा जाए तो जिस तरह से राहुल गांधी का कंपेयर करें तो स्मृति ईरानी अमेठी में लगातार बनी रही, लोगों के बीच में जाती रही, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी काम नहीं आया, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, लोगों के बीच जाती रही, क्षेत्र में भ्रमण करती रही, वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जो सही मुद्दे हैं उस पर उन्होंने कोई क्रियान्वयन नहीं कर पाया कि जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता, जानवरों के लिए हर समय जब भी हो उनसे इस नए तरीके से बात की जाती है, लेकिन उसका कोई जो है खराब है तो वो नहीं कर पा रहा। जो सबसे बड़ा कारण है, आज का सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ जानवर और बेरोजगारी और नौयुवकों का पेपर लीक होना, नौकरी का ना कोई वो होना, ये सब मुद्दे तमाम प्रकार के हाथ हुए और जिसकी हवा बही और ये दिमाग लोगों के कर गई कि अब बदलना ही जो है हम सबके लिए ठीक है। यही कारण रहा कि जो कुछ इनकी बात को नहीं समझ। क्या नाम भैया आपका? रविकांत मिश्रा जी। मिश्रा जी, अमेठी से लेकर के अयोध्या तक बीजेपी हार चुकी है, क्या कुछ ऐसा खास रहा जिससे कि बीजेपी को इस तरह से हार का सामना? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है, इस चुनाव से स्पष्ट ये होती कि हिंदू मुस्लिम जैसी स्थितियों से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी और किसानों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा।
महंगाई की समस्या को देखना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी विफल हुई, इस मुद्दे को नहीं उठा पाई और यही विफलता कारण है। भैया क्या नाम है आपका? श्री चंद तिवारी, ग्राम पोस्ट दादरा। तिवारी जी, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी पूरा अयोध्या मंडल हार चुकी है, ऐसा क्या कुछ रहा जिस तरह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को? देखो, इसमें दो तीन रीजन है, एक रीजन नहीं है। पहला रीजन तो ये है कि धर्म और राजनीति का जो समावेश करके चलोगे और लाभ लेने सोचोगे तो वहाँ पर जनता जो है उल्टा जवाब देगी। और दूसरा, जो किसानों के ऊपर ये आवारा पशुओं का आक्रमण चल रहा है, ये सबसे भयावह रहा है जो है इस चुनाव में हराने का। तीसरा ये कि बेरोजगारी, बच्चों के एग्ज़ाम जो रद्द हो जा रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, त्राय त्राय मचा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, जस के तस हो जाते हैं। और तीसरा चौथा कारण जो आपको मैं बताऊं, कम्बिनेशन। देखिए, राहुल गांधी का अखिलेश का जो कम्बिनेशन बना, ये चार चांद लगा दिया। और कम्बिनेशन से जो जातिगत समीकरण उन्होंने बैठाया, उसके हिसाब से एक तरफा जो है ये मंडल पूरा हार गया। और सत्ताधारी पार्टी जो भी होती है वो थोड़ा घमंड में चकनाचूर रहती है। जैसे आप हमारे यहाँ स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, अमेठी से कभी किसी गांव में, मेरे गांव में आती थी, ऐसे किनारे निकल जाती थी, दो तीन लौंडे अपना उनकी राजनीति करते थे और घमंडी भाषा बोल चली जाती थी, किसी बात का जवाब नहीं देती। आप जैसे लोगों की हिम्मत है कि उनसे बात कर लें। अमेठी में जो है स्मृति ईरानी और राहुल की कंपेयर करें अगर, तो राहुल 15 साल यहाँ के सांसद रहे और 15 साल में वो 15 बार भी उनका आना जो है बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन स्मृति ईरानी दर महीने जो है अमेठी में आती रही। उसके बाद आती भी थी, ये तो उसके बाद भी हार गई। आती कहाँ थी, घर मनवाली सब कुछ कर लिए, अपने बूथ तक से वो हार चुकी है। राहुल गांधी की तुलना और स्मृति ईरानी से, अरे हम तो किशोरी लाल से भी नहीं करेंगे और शायद मेरे गांव का कोई किसी पार्टी से खड़ा हो जाए उससे भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो घमंड में चकनाचूर महिला थी, इसलिए हार गई चुनाव। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है हे गोविंद, तहसील मुसाफिर खाना, हमारी जनसेवा केंद्र है। आपका जनसेवा केंद्र चलाते हैं, क्या लग रहा है जिस तरह से बीजेपी को अमेठी से लेकर अयोध्या तक हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में क्या फैक्टर थे जो कि जो है बीजेपी से चूक हुई और हार का सामना करना पड़ा? भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को जब घमंड आ जाएगा, प्राउड, जब प्राउड में बोलने लगेगा तब उसको पराजित तो होना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है। और अभी तो फैजाबाद मंडल में हार हुई है, सोच लीजिए कि अभी बीजेपी अपना सबसे बड़ा मुद्दा अगर बताती है तो राम मंदिर का मुद्दा बताती है कि हमने जो है सबसे बड़ा विकास अगर किया है तो राम मंदिर बनवा करके किया है। और अभी आप बताइए जो है अवध की सीट नंबर एक हार गए, नंबर दो हमारे अमेठी की जो है स्मृति ईरानी जी जो है अपनी सीट हार गई। और स्मृति ईरानी जी का जो हार का जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये फैक्ट है कि ये आम जनमानस से जुड़ नहीं पाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये कुछ व्यक्ति विशेष को ही मतलब ये समझती थी कि हाँ मैं व्यक्ति विशेष से मिल ली और ये हमारी जीत करवा दी है, ठीक है। और नंबर एक, इनका जो अभी जल्द ही का जो सबसे बड़ा मुद्दा है इनका हार का, वो है मुंशीगंज हॉस्पिटल, इस हिसाब से वो औरत एक्सपायर हुई, उसके बाद में उसको एक राजनीतिक मोड़ दे करके इन्होंने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। आप बताइए, बहुत ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जो अमेठी ज़िले में ही इलाज करा पाते हैं, लखनऊ नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल को बंद करवा करके और बाद में मतलब कि ये जो है इनका सबसे बड़ा, चूँकि देखिए गरीब व्यक्ति कभी भी अपनी बात भूलता नहीं है, उसके साथ अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो बड़े स्तर का हो चाहे छोटे स्तर का हो, अगर वो चोट करेगा तो वो व्यक्ति अपनी बात भूलेगा नहीं, याद रखता है। और अमेठी की जनता ने जो मतलब मतदान करके स्मृति ईरानी जी को जो हार का सामना करवाया है वो बहुत ही मतलब कि बेटर सीख है स्मृति ईरानी जी के लिए, क्योंकि अभी आप बताइए अभी जल्द ही में मैं कोई पार्टी विशेष नहीं हूँ ना, और अभी जल्द ही में जो दीपक सिंह MLC जी के ऊपर मुकदमा करके इन्होंने फर्जी मुकदमा करके और चुनाव के टाइम में इन्होंने जिस हिसाब से रुख अपना दिखाया, ठीक है। और नंबर दो, अभी जल्द ही
जैसे ऐसे कई सारे इनकी जो विफलताएं हैं, चाहे वो हॉस्पिटल को लेकर के हों सर जी, चाहे वो मतलब शिक्षा को लेकर के हों, इन सारी चीज़ों में अभी आप बताइए। मैं अपना पर्सनली में बताता हूँ कि मैं तहसील अगर सुबह बस से अगर आता हूँ तो स्पेशल कोई मतलब स्मृति रानी जी यहाँ पे इतने दिन रही हमारे अमेठी में, मतलब अमेठी में कोई स्पेशल बस तक नहीं दे पाई कि कम से कम जो यहाँ पे लोग तहसील जाने वाले लोग हैं या जो लोग एचएल जाने वाले हैं, जो बीएचएल जाने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो स्पेशल अमेठी की बस से सफ़र कर सकें। अभी मैं बता दूं, अगर मुझे प्रतिदिन सुबह अगर तहसील आना रहता है 9:30 बजे बस अड्डे पर रुकता हूं, 10:30 तक 1 घंटे लगातार वेट करने के बाद में कहीं बस मिलती है। आप बताइए ये अगर ये हमारा हाल है तो और आम आदमी का क्या हाल होगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं भैया जो स्मृति ईरानी जी को विफल करती हैं। और मैं बता दूं, सबसे बड़ा मुद्दा तो उनका यही है कि वो जो है आम जनमानस से, जो अमेठी की आम जनता है, जो अमेठी का गांव ग्राम है, वहां के लोगों से मिल नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अमेठी की जनता है, जो किसान है यहां के, सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, जिनके पास अधिक खेत हैं वो रखवाली मतलब जानवरों का जो सबसे बड़ा फैक्ट है इनका, मतलब बताइए अभी जो इन्होंने एक दावा ये किया जाता है जो है भाजपा गवर्नमेंट में कि हम जगह जगह पे चारागाह बनवा दिए हैं, मतलब गरीब वो उसके लिए गाय के लिए। मैं बता दूं बहुत ऐसी गायें हैं वहाँ पे जो उनको भरपेट मतलब चारा तक नहीं मिल पाता है। अब उसमें कौन भ्रष्ट है हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे चारागाह हैं जहाँ पे गायों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है और वो असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या नाम भैया आपका? नित्यानंद मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से बीजेपी अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर हार चुकी है, क्या कुछ ऐसा खास था जिससे कि बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा? एक तो इंडिया गठबंधन का जो है लोकभवन की घोषणाएँ जो थी, ये कुछ काम किया है। और दूसरे एक पक्ष का एक इंडिया गठबंधन तरफ झुक जाना धर्म विशेष, और जातीयता भी काम कर गई जिससे इंडिया गठबंधन को, और इस क्षेत्र में हार का प्रमुख कारण। क्या लग रहा है कि ऐसी कौन सी चूक बीजेपी ने किया जिससे कि इस तरह हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि बीजेपी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करती है, जो कहती है वही करती, जो करती है वही करती है, वो कर नहीं पाई कि हम कहें और कर ना पाए, इसलिए उन्होंने ऐसी घोषणाएं नहीं की, लोग लुभावन घोषणाएं नहीं। और प्रदीप सिंह दीदिया, जिस तरह से जो है अमेठी से लेकर अयोध्या तक बीजेपी हारी, क्या कुछ ऐसा रहा जिस तरह से ये हार का सामना करना पड़ा? अब अमेठी तो स्मृति ईरानी जब भी आती थी अपने कुछ खास खास चाटकारों के बीच घिरी रहती थी, और उनका बिहेवियर जो था वो आम जनमानस के लिए अच्छा नहीं था, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं था। उनका हारने का मुख्य कारण तो यही है। बाकी बीजेपी जो है पब्लिक की जो आवाज़ है उसको नहीं सुन रही थी, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, जानवर से परेशानी है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही थी। बीजेपी अपने ही क्वेश्चन करती, अपने ही आंसर देती, और पब्लिक की जो आवाज़ है उसको नहीं सुन रही थी। मुख्य कारण यही है, बीजेपी पब्लिक बेरोजगारी, महंगाई, उन लोगों से जूझ रही थी और वो राम मंदिर की बात कर रहे थे, जबकि पब्लिक को महंगाई और बेरोजगारी से ज़्यादा परेशानी थी। मुख्य कारण यही है उनके